बटाला सिटी थाना पुलिस के अधीन पेंदे बटाला बस अड्डा पुलिस चौंकी के इंचार्ज बलजीत सिंह की अगवाई पुलिस टीम ने मुखबिर खास की इतलाह से बटाला बस अड्डे तो एक नौजवान 315 बोर के देसी कट्टे और 3 जिंदा कारतूसा समेत किया काबू। पुलिस वालों केस किया गया दर्ज और अगली कार्रवाई की गई शुरू। इसकी जानकारी बटाला सिटी थाना के इंचार्ज मनबीर सिंह ने देंदे हुए दसिया कि इस नौजवान मुखबिर खास की इतलाह से काबू किया है तो इसके पासों 315 बोर का देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बटाला पुलिस सिटी थाना के इंचार्ज मनबीर सिंह ने दसिया कि इस नौजवान के बारे मुखबिर खास के वलों इतलाह दी गई सी कि यह नौजवान यूपी तो नजायज 315 बोर का देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस लैके बटाला विखे घूम रहा है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक च है। पुलिस ने मुखबिर खास की इतलाह से अपनी टीम तैयार करद है इस नौजवान बड़ी सूझबूझ नाल बटाला बस अड्डे तो 315 देसी कट्टे और 3 जिंदा कारतूसा समेत काबू किया है। पुलिस के वलों केस दर्ज करद हाँ अगली जाँच शुरू कर दिती है। पुलिस के अनुसार इस नौजवान ने यह देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस यूपी तो लियांदे सी। देखो ये तस्वीर तो उस तो बाद तुहानू सुनाने हाँ कि बटाला सिटी थाना के इंचार्ज मनबीर सिंह का की कहना सी इस सारे मामले नू लैके। अपने चौकी इंचार्ज एस आई बलजीत सिंह ने जरमनजीत सिंह पुत्र दलजीत सिंह वासी भंबोई नू बस स्टैंड लगों काबू करके उहदे कोलों एक देसी कट्टा 315 बोर का बरामद किया, 3 राउंड बरामद किए 315 बोर के। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਦਮਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਿਵੋਲਵਰ ਇਹ ਯੂਪੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 116 ਨੰਬਰ ਮੁਕਦਮਾ ਜੀ, 25 ਜਨਵਰੀ ਫਾਰਮ ਜੈਕ। इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ जंग। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज।